हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमएस ऑफिस का यूज़ करते हैं तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड में आप पेज लेआउट जो टैब है उसका यूज़ कैसे करेंगे, तो उन सभी टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अंडर पेज लेआउट हमें मिलते हैं। तो देखते हैं ये सारी प्रोसेस कैसे होगी। तो उसके लिए एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करिए और यहाँ पर फिल कर दीजिए विन वर्ड। स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए, कैपिटल में हो स्मॉल में हो मैटर नहीं करता। इसको एंटर कर दीजिए। आफ्टर एंटरिंग कोई भी आप वर्जन यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड का। तो फिलहाल यहाँ पर ये 2019 है, तो मैं फिलहाल आपको 2007 में बताऊंगा। तो यहाँ से 2007 भी ओपन कर लेते हैं। सेम वर्किंग होती है, प्रॉब्लम नहीं है। 7 का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो 7 है मैक्सिमम जो यूजर्स हैं इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 19 की, 19 भी सेम होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग सेम ही होती है। तो ये है कि जो 19 है ये थोड़ा सा एडवांस है। मैं चलिए आप दोनों का इसके बारे में कंपेयर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो टूल्स वगैरह में इसके कैसे हैं। तो ये ऑफिस 2007 है, पेज लेआउट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पेज लेआउट को इन्होंने दो टैब्स में कन्वर्ट कर दिया है, डिज़ाइन और यहाँ पर लेआउट। और लेआउट में आप देख सकते हैं सेम वही टूल्स हैं जो यहाँ पेज लेआउट में अवेलेबल हैं। थोड़े से जो टूल्स हैं वो इन्होंने मूव कर दिए हैं इन डिज़ाइन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑफिस 2007 का वर्ड है, सॉरी 19 का वर्ड है, दिस वन इज ऑफिस 2007 वर्ड। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर कोई भी डमी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप इक्वल टू रेंड कमांड का यूज कर सकते हैं और यहां पर ब्रैकेट से ले लिए एंटर कर दीजिए। तो ये हमारा एक डमी टेक्स्ट आ गया। नाउ सबसे पहले अगर आपने किसी टेक्स्ट वगैरह का फॉन्ट चेंज किया या होम में जाकर आप यहां से एक फॉन्ट चेंज कर लीजिए, और इफ़ यू वांट टू गिव द कलर यहां से आप कलर वगैरह देख सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ से जब आप पेज लेआउट में जाएंगे यहाँ से थीम्स वगैरह चेंज करेंगे तो देखिए जो थीम्स वगैरह है जो आपने नीचे टेक्स्ट लिया उसकी देखिए थीम्स चेंज हो रही हैं। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा हम इन टूल्स का बहुत कम यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टैब है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है वाइल प्रिंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है लेफ्ट साइड से यहाँ राइट साइड और टॉप से, आप यहां पर मार्जिन खुद भी सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन, अदरवाइज यहां पर डिफरेंट मार्जिन्स दिए गए हैं। तो जो भी आपको मार्जिन चाहिए यहां से आप ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका मार्जिन है। अगर आप साइड से नैरो रखना चाहें तो देखिए टॉप से लेफ्ट से और राइट से और बॉटम से, तो चलिए यहां हमारा इतना टेक्स्ट नहीं है सो नीचे शो नहीं कर रहा। तो आप ऐसे इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं अपने पेज का। ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छी कमांड है, अगर आप अपने पेज को वर्टिकली देखना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट होता है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। जो आपका लैंडस्केप मोड होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप ओरिएंटेशन में जाके पेज की लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपकी नीड है कौन सी आप लेआउट लेना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको फिलहाल यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। नाउ उसके बाद पेज का साइज, अब देखिए आप देखते हैं बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, एक आपकी डायरी आप रखते हैं पर्स में रखते हैं, और एक आपकी A4 कॉपी होती है, जो डिफरेंट शीट्स वगैरह होती हैं कॉपीज होती हैं, साइज होता है पेज के अकॉर्डिंग। और मैंने देखा है एक छोटी भी कॉपी होती है जो बहुत इसमें नियर अबाउट मेरे ख्याल से 10 पेजेस होते हैं वो आपके पॉकेट में भी आ जाती हैं। तो सेम ये जो पेजेस का साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो इसमें साइज होता है A4 होता है, जो आपका फोटो कॉपियर पेज होता है उसको A4 साइज बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपकी वो सेटिंग होती है। अगर आप लीगल पेज लेना चाहें लीगल ले सकते हैं, लीगल का जो साइज है नीचे से थोड़ा सा पेज आपका बड़ा होगा। तो ऐसे आप यहाँ से जो सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल A4 बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपकी नीड है। लेटर भी ले सकते हैं, लेटर और A4 फिलहाल लिटिल बिट डिफरेंस होता है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पूरा आपका जो यहाँ पर हमने डाटा लिया है फाइल के अंदर आप इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ही कॉलम में क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पर इतना टेक्स्ट नहीं था। तो हम पहले टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं सो डैट वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये देखिए टू कॉलम्स हो गए, यहाँ से थ्री कॉलम्स लेना चाहते हैं थ्री कॉलम्स ले लीजिए। जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है न्यूज़पेपर में कॉलम्स आते हैं से वैसे ही ये कॉलम्स होता है। और ये आपका कॉलम टॉप टू डाउन चलेगा, नॉट पैरेलल चलेगा। पहले ये लाइन नीचे तक फिल होगी, फिर नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा। अगर आप इनको मोर कॉलम में जाकर अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट से इसको कम लेना और राइट से ज़्यादा लेना और बीच में एक लाइन लेना, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके शो कर देता हूँ। ये देखिए अगर आप कॉलम में जाकर यहाँ थ्री लाइंस लेना चाहें थ्री भी ले सकते हैं। ये देखिए उसके बीच में लाइन आ रही है। उसके बाद है ब्रेक्स।
ब्रेक्स का मैंने एक पहले से वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इससे क्या होगा, अगर आप चाहें सिंगल सिंगल पेज को बॉर्डर देना, सिंगल सिंगल पेज की फॉर्मेटिंग देना और डिफरेंट लेआउट देना, वो आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं। वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइन नंबर्स। अगर आप चाहते हैं कि लाइन नंबर हर एक लाइन के सामने शो हो, तो आप ऐसे लाइन नंबर्स दे सकते हैं। सो मैं फिलहाल इसको पहले यहां से वन कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं, ये देखिए 1 2 यहां पर 37 आ गया, उसके बाद 38 आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे हर एक पेज पर नंबरिंग स्टार्ट चाहिए, तो री स्टार्ट ईच पेज, ये देखिए 1 2 37 और फिर से 1 से स्टार्ट होगी। ऐसे ही आप री स्टार्ट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन से कैसे होगा, आपको ब्रेक्स की सेटिंग थोड़ी करनी होगी, जिसकी हेल्प से आप सेक्शंस की सेटिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेज है वो सेट होगा। हाइफनेशन क्या है, उसको पहले हम यहां से डिसेबल कर लेते हैं। जैसे यहां पर कई बार आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहां से मैं हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर देता हूं। द इन ऑफ, ये देखिए, जैसे मैंने वैसे ही को वर्ड लिखा, आपने देखा होगा कुछ लाइन्स रहती हैं वर्ड पूरा एक लाइन में नहीं आता, तो हाइफनेशन क्या होता है, यहां पर हाइफन देकर नेक्स्ट लाइन में वर्ड को ले आता है। डैट मीन्स कि ये वाला वर्ड है जो टेक्स्ट है इसके साथ अटैच है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट ओनली दिस वन, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कंप्यूटर, तो ये देखिए कम ऊपर आ गया, यूटर नीचे आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ऊपर इतनी स्पेस ही नहीं थी, एडजस्ट नहीं हो सकता था। तो ऐसे भी आप हाइफनेशन का यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर हेडर्स है वो भी इसमें आ गया। यहां पर मीन टू से जो भी सेटिंग एक पेज पे नहीं आ रही थी, एक पैराग्राफ में नहीं आ रही थी, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में मूव हो गई। उसके बाद आपका वाटरमार्क है, वाटरमार्क को हम घोस्टी टेक्स्ट भी बोल देते हैं। जैसे आप पेपर्स देते हैं सीबीएसई बोर्ड के हो गए, या कोई अदर आप एग्जाम देते हैं ऑफलाइन, और जैसे आपका स्टेट का बोर्ड होता है, तो आपकी जो शीट होती है जिसपे आप एग्जाम करते हैं, तो उसके पीछे बोर्ड का नाम लिखा होता है। तो ऐसे ही आप कोई फाइल बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके पीछे आप कोई भी इनमें से वाटरमार्क लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज कस्टम में जाकर आप यहां से खुद का एक वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर लेना चाहें पिक्चर ले सकते हैं, नो में वाटरमार्क हट जाएगा, टेक्स्ट में टेक्स्ट कर लीजिए, एएसवीपी में आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह यहां पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया थिंक टेक करा, और इसको मैंने यहां से फॉन्ट वगैरह दे दीजिए, कलर ले लीजिए। सेमी ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, थोड़ा सा अगर इसको मैं हटा दूंगा तो डार्क आएगा, इसको क्लिक कर दूंगा तो थोड़ा फेड आएगा। डायगनली मींस कि आपका टेढ़ा होगा, इसको वैसे ही अप्लाई करते हैं हम। ये देखिए, तो यहां पर कलर थोड़ा देखिए फेड था इसलिए आ गया, तो कलर हम यहां से चेंज कर लेते हैं। एडिट करने के लिए वाटरमार्क कस्टम, और यहां से आप इसका कलर सेट कर लीजिए, इफ यू वांट एनी कलर नीट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कलर आएगा। यहां से अगर आप चाहें फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। यहां पर मैं पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूं, सेमी ट्रांसपेरेंट मैंने यहां से हटा दिया, अब देखिए थोड़ा डार्क हो गया ये। तो आप जितने भी इसमें पेजेस लेंगे सभी पे ये आपका आएगा वाटरमार्क। अगर आप सिंगल सिंगल पेज पे लेना चाहें तो उसके लिए कैसे लेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। ब्रेक से आपकी यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग्स होगी। उसके बाद इसमें आप पिक्चर भी ले सकते हैं, कस्टम में जाइए, यहाँ पर पिक्चर में जाइए, यहाँ से आप पिक्चर चूज कर लीजिए। तो यहाँ से जो भी आप पिक्चर चूज करना चाहते हैं, यहाँ से पिक्चर चूज करके, जैसे चलिए लोगो ले देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए पीछे लोगो आ रहा है, देख सकते हैं फेड सा, थोड़ा सा मैं पेज का साइज छोटा कर लिया। ध्यान से देखिए ये लोगो अवेलेबल है, थोड़ा डार्क करना चाहते हैं वाटरमार्क पर जाइए, कस्टम वाटरमार्क करिए और वॉश आउट को हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए लोगो कितना डार्क आ गया है। तो ऐसे देखा होगा आपने जो लेटर हेड्स वगैरह होते हैं उनके पीछे ऐसे ही उन्होंने ये जो वाटरमार्क लगाए होते हैं। तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाकर इसको मैं यहां से नो कर देता हूं, अप्लाई कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, तो आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर आप पेज का कलर देना चाहें, पेज कलर पे जाएं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी आप पेज का कलर दे सकते हैं, या आपकी नीड है कौन सा आपने कलर देना है। अगर नहीं देना तो स्टार्टिंग में व्हाइट पर कर दीजिए, अदरवाइज आपकी नीड है जो भी आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। मोर कलर्स में जाकर अगर आपका कलर वहां से नहीं मिलता, मोर कलर्स में चले जाइए, फिल इफेक्ट से जाकर यहां से आप टू कलर्स का कम्बिनेशन भी रख सकते हैं, डायगनली रख सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं। यहां से दो कलर आपने लेने हैं, जो मर्जी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया, ओके किया। तो ये देखिए मेरे जो पेज का कलर है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया, जैसे मैंने सेट किया। तो ऐसे आप नीड के अकॉर्डिंग कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, अगर कोई आप जैसे कार्ड वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, कोई फ्लक्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, जो भी आपकी नीड है, जैसी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर जो पेज का कलर है सेट कर सकते हैं। हटाना है पेज लेआउट में जाइए, यहां से व्हाइट ले लीजिए।
उसके बाद बॉर्डर, देखिए ये जो पूरा यहाँ पर पे शो हो रहा है इसका हम बॉर्डर लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए पेज बॉर्डर पर। यहाँ से आप लाइनिंग ले लीजिए कौन सी लेनी है, जैसे ये लाइनिंग ली, इसका आपको कितना विड्थ चाहिए वो ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ से बॉक्स ले लीजिए, ओके कर दीजिए। नाउ सी, ये पेज का बॉर्डर आ गया, लेकिन अगर आप एक पेज पर बॉर्डर लेंगे सभी पर आएगा, आप देख भी सकते हैं, बॉर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से डॉटेड लेना है तो यहाँ से डॉटेड लाइन ली, ओके कर दिया, देखिए डॉटेड लाइन आ गई। फिर से पेज बॉर्डर पर गया, शेडो लेना चाहते हैं बॉर्डर की, आप शेडो भी ले सकते हैं, ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा डार्क है। और पेज बॉर्डर पर जाइए, अगर आप यहाँ से कोई आर्ट वगैरह लेना चाहते हैं आर्ट ले लीजिए, और यहाँ से नंबरिंग वगैरह थोड़ी कम कर दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए यहाँ से हम क्रिसमस ट्री वाली लेते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो यहाँ से हम नंबर थोड़े छोटे कर देते हैं, जितने आपको चाहिए दिस वन। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गए, लेकिन ये जो बिल्कुल इसके साथ सेट है तो उसके लिए मार्जिन से आपको जाकर मार्जिन की थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, तो देखिए उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने आपको पता है स्टार्टिंग में मार्जिन सेट किए। तो ये देखिए कितना अट्रैक्टिव बॉर्डर लग रहा है। तो ऐसे कोई बच्चों के लिए आप कोई पेज वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, कि होमवर्क रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया यहाँ पर इंडेंट्स, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एक यहाँ पर पॉइंट से आ रहे हैं इनको बोलते हैं इंडेंट। तो ये पैराग्राफ एक है हमारे यहाँ पर, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, तो आप इंडेंट का यूज़ करके इसको लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट को थोड़ा ज़्यादा निकल गया। ऐसे ही बिफोर आप कितना लेना चाहते हैं, आफ्टर से कितना लेना चाहते हैं, ये देखिए साइज़ वगैरह जो भी है ऊपर नीचे से आगे पीछे से सेट करता है ये राइट से, देखिए कितना आप लेना चाहते हैं। ऐसे आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैरा की। स्पेसिंग वगैरह 12 पॉइंट्स हैं, कितने ऊपर से पॉइंट लेना चाहते हैं, नीचे से कितने पॉइंट्स लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं दिस वन। तो यहां से जितने भी पॉइंट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं अपनी नीट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां से दिस वन अरेंज की, तो ये भी देख लीजिए, हम यहां पर एक नई फाइल ले लेते हैं, और इसमें अगर आप कोई भी यहां से शेप वगैरह इंसर्ट करेंगे या पिक्चर वगैरह इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो टेक्स्ट राइटिंग में जाकर आप इसको बिहाइंड कर सकते हैं, इन फ्रंट कर सकते हैं, इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करेंगे, बर्थडे, कोई फ्लक्स अगर आपने क्रिएट करना है बाय यूजिंग दीज टूल्स, आप कैसे करेंगे, उसमें ये सारे मैंने आपको टूल्स बताए हैं कैसे यूज़ होंगे। अगर आप इसको बैक ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड बैक कर दीजिए, या इसको फ्रंट पे लेना चाहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज यहाँ पर मैंने टॉप एंड बॉटम के एंड फ्रंट कर दीजिए, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंड बैक कर सकते हैं। सो ऐसे फ्रेंड्स आप पूरे पेज लेआउट जो मैंने आपको टैब बताया इसका यूज़ करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद यहाँ अरेंज में आप इसकी अलाइनमेंट कहाँ सेट कर सकते हैं, ये देखिए पेज के थ्री यहाँ पर जो टूल्स होते हैं, ये देखिए ये पेज का टॉप का सेंटर है, ये पेज टॉप का राइट है, ये पेज टॉप का क्या है लेफ्ट, ऐसे ही सेंटर का लेफ्ट, सेंटर राइट, और ये ऐसे ही डाउन का राइट, सेंटर लेफ्ट। तो ये देखिए इस टाइम मैं बिल्कुल डाउन में मिंटू से बॉटम के किस में हूँ, टॉप जो उसका बॉटम का जो डाउन है उसके लेफ्ट में हूँ। यहाँ से आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मिडल में लेना चाहते हैं तो देखिए मिडल में आ गया, लेकिन मिडल का मैंने कौन सा यहाँ पर लिया, दिस वन, अलाइन टॉप कर दीजिए, टॉप पर आ गया। तो ऐसे उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप मोर देन टू शेप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने उसको ग्रुप कर दिया। तो ये देखिए इजीली आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, अनग्रुप करने के लिए यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर लीजिए मिंटू से। अगर आपने कोई ड्राइंग वगैरह बनाई है तो इसकी हेल्प से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये थे टूल्स पेज लेआउट के, इसको करके देखिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।